Hello students, in earlier classes we were discussing about different methods of collection of data. Most importantly, we discussed different methods of collection of primary data. Now in today's class we will discuss the methods of collection of secondary data. Firstly, we can revise what is secondary data. Data which already exists, data which is already present, which has been collected by some other person for some other for some other reason, that data is known as secondary data. And how that secondary data can be available to us, what are the sources of secondary data, that is today's topic. There are two sources of secondary data, one is published and one is unpublished. Published data are those data that are printed or published somewhere. Someone who can take the responsibility of that data. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रिंटर से किसी डेटा को एक प्रिंट निकाला पेपर पे और बोला कि भैया ये पब्लिश डेटा हो गया, ऐसा नहीं. उस पब्लिश डेटा की कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि दिस इज द करेक्ट डेटा, दिस डेटा हैज बीन पब्लिश बाय अस, देन दैट डेटा बिकम्स पब्लिश डेटा. Printed somewhere, that is published data. Some of the sources of published data are here. Other than that is unpublished data, data which is not published, not printed anywhere, which has been collected for some internal purpose, for some internal inquiry, that is unpublished data. For example, your attendance record. Your attendance record is collected by me. That is primary data for me. But if your attendance record, your principal ma'am wants to check your attendance record, principal ma'am, principal sir wants to check your attendance record, कि sir बताइए क्या attendance record है, कौन बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, कौन ज़्यादा absent है, मैं उन्हें phone करूँगी आज, ठीक है. तो वो data उन्होंने collect नहीं किया था, वो data मैंने collect किया था, तो मेरे लिए primary data, ठीक है. वो उनके लिए secondary data है. और ये डेटा जो है कहीं पे भी प्रिंटेड नहीं है, कहीं पब्लिश नहीं है, कोई न्यूज़पेपर में नहीं आया था, किसी न्यूज़ में नहीं दिखाया, किसी साइट पे अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है. तो ये जो डेटा है ये इंटरनल रिकॉर्ड है, तो वो डेटा जो है वो उनके लिए बन गया है अनपब्लिश डेटा, ठीक है. सेकेंडरी डेटा क्योंकि उन्होंने कलेक्ट नहीं किया है, और क्योंकि सेकेंडरी में भी ये कहीं प्रिंटेड नहीं है, पब्लिश नहीं है, तो कौन सा डेटा हो गया उनके लिए अनपब्लिश डेटा. क्लियर? ओके, लेट्स take some examples, some other sources of published data. What are the sources of published data? Let's see one by one. First is government publication. Different departments of government, of central government, of state government issue various data, various statistics. ठीक है, वेदर डिपार्टमेंट अपना एक डेटा इशू करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट अपना एक इशू डेटा करता है, इतने लोग का बर्थ हुआ, इतने लोगों की डेथ हुई, ठीक है, इतनी रेनफॉल हुई, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सारे जो डेटा है ये इनके पास में रिकॉर्डेड है और ये टाइम टू टाइम इसे प्रिंट या पब्लिश भी करते रहते हैं, ठीक है. अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ पे ध्यान देंगे तो ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं. गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो ये देती रहती हैं अपना डेटा, वो रिकॉर्ड करती हैं क्योंकि रेगुलर बेसिस पे, तो वो पब्लिश करती रहती है कॉमन यूज के लिए, गवर्नमेंट की यूज के लिए, कोई भी देख सकता है. तो दोस्त डेटा विच हैज बीन पब्लिश बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, आर नोन एज गवर्नमेंट पब्लिकेशन. द अदर इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, एंड दैट इज डेटा, द डेटा कलेक्टेड बाय आवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर, जो सीधे गवर्नमेंट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं, उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. जस्ट लाइक आवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो कहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हमने रिपेयर की हैं, ठीक है, कहाँ पे हमने सीवरेज सिस्टम रिपेयर किया है, सीवरेज सिस्टम साफ किया है, नए पार्क कहाँ डेवलप किए हैं, ठीक है, कचरा जो है, क्लीनलीनेस जो है, ड्राइव, कचरा उठाने वाली गाड़ी कौन से एरिया में जा रही है, कौन से एरिया में नहीं जा रही है, ये सारा जो डेटा है ये इनके पास में है, ये कलेक्ट करते रहते हैं. तो अगर हमें वो डेटा अगर यूज में लेना है तो हम इनसे इनका डेटा यूज में ले सकते हैं. सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ये भी अपना डेटा इशू करते रहते हैं. चलिए, नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी. गवर्नमेंट कभी कभी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, या कोई सेंसिटिव मैटर के लिए, या कुछ फ्यूचर में चेंज उन्हें करना है, उसके लिए एक कमिटी बनाती है, कमीशन बनाती है.
कमेटी भी बोल सकते हैं, कमीशन बनाती है। फिर वो कमेटी कमीशन जो है अपना डेटा कलेक्ट करती है, रिसर्च करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और फिर जब गवर्नमेंट एक रिपोर्ट तैयार करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देती है कि देखिए हमारे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये है, ये रिजल्ट है इसका, ये रिपोर्ट हम देते हैं, सजेशन आपको मान्य है, माननीय नहीं माननीय बट माननीय, ऐसा वो देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने कैसे डिसाइड किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए या उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, ये गवर्नमेंट ने कैसे डिसाइड किया? गवर्नमेंट ने पहले एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को बोला कमेटी या कमीशन। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ाई नहीं जानी चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो अब पढ़ाई जानी चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए, क्या पैटर्न में एक डिफरेंस आना चाहिए, ये सब उन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्व किया ऑल ओवर द इंडिया, इन्वेस्टिगेशन किया और एक रिपोर्ट अपनी गवर्नमेंट को दी कि हमारे हिसाब से ये रिपोर्ट है, अब आप ये देख लीजिए। फिर गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को रीड किया, जो भी चेंजेस करने थे वो देखे और फिर अपनी एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई। तो नए जो चेंजेस करने हैं या कुछ इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट को करनी है तो वो जो है वो करती है किसी कमेटी या रिपोर्ट के रिपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल लोग होते हैं, ठीक है, बायस नहीं होते हैं, न्यूट्रल लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए उनकी बात मान ली जाती है। एक्सपर्ट्स होते हैं कुछ इसके अंदर तो वो बात इसमें मान ली जाती है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपका ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन क्या है? बहुत सारे ट्रेडर्स मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, उसे हम ट्रेड एसोसिएशन बोलते हैं। मान लीजिए जयपुर के सारे जिम ओनर्स जो हैं उन्होंने एक अपना ग्रुप बना दिया, उसे बोला गया जयपुर जिम एसोसिएशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर से कुछ भी अगर उनको डिस्कशन करना है तो ऐसा थोड़ी है कि सारे जिम ओनर चले जाएंगे और बोलेंगे हाँ सर आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, उनकी तरफ से कुछ लोग जाएंगे, वो रिप्रेजेंटेशन जाएगा, तो वो बोलेंगे कि भाई हम जिम एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, यानी कि हमारे अंडर जो हैं सारे जिम्स जयपुर के कनेक्टेड हैं और वो आपसे कुछ आपको कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये बात होता है, तो जब ट्रेडर्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, हो सकता है उन्होंने भी कुछ डेटा कलेक्ट कर रखा हो। कैसे डेटा सर? कि कितने लोग हमारे देखिए जिम आते हैं, ठीक है, हमारी इतनी पॉपुलेशन इस एरिया के अंदर है, इतने सारे जिम्स चल रहे हैं, इतने सारे लोग इसमें आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इतने सारे लोग फिटनेस को अपनी ध्यान में रखते हुए हमारे पास में आना चाहते हैं, तो इतने सारे लोगों की हेल्थ का नुकसान हो रहा है तो अगर जिम अगर खुले हुए नहीं हैं तो। ये डेटा उनके पास होगा तो वो आगे अपना डेटा दे पाएंगे और गवर्नमेंट से बात कर पाएंगे, तो ये भी डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। तो अगर हम चाहें और प्रिंट भी कभी कभी कर देते हैं, ज़रूरी नहीं जिम वालों ने प्रिंट कर रखा हो, ज़रूरी नहीं सारी ट्रेड एसोसिएशन प्रिंट करती हों, अगर किसी ने ट्रेड एसोसिएशन ने प्रिंट कर रखा है उसका डेटा अवेलेबल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी एक पब्लिश सोर्सेज ऑफ डेटा है, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि किसी और ने कलेक्ट किया है हम उसे यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका जर्नल्स एंड पेपर्स, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, उसके अंदर भी बहुत सारी न्यूज़ आती है तो हम उस न्यूज़ पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है वो किसी और सोर्सेज के थ्रू किया, अपने जर्नलिस्ट को भेज के कलेक्ट किया है। अब हम तो वहाँ पे जा नहीं सकते, ऑल ओवर इंडिया थोड़ी घूमेंगे न्यूज़ पता करने के लिए कि आज क्या हुआ कहाँ हुआ। ठीक है, कोई एक कॉमन सोर्स हमने देखा कि भाई न्यूज़पेपर ऐसा एक कॉमन सोर्स है जहाँ पे पूरे ऑल ओवर द इंडिया, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के इवेंट्स डेली के यहाँ पे आते हैं, तो हमने उसको एक अपना सोर्स बना लिया है। ठीक है, हमारे डेटा के लिए कि कोई बोले कि आपको ये कैसे पता, तो हम बोलेंगे ये हमें न्यूज़पेपर के बेसिस पे पता है। तो ये कुछ हमारे सोर्सेज हैं पब्लिश सोर्सेज के ऑफ सेकेंडरी डेटा। इतना ही आज हम करेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्लास।